वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, जो महाउपनिषद सहित कई अन्य ग्रंथों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है, अर्थात इस जग में रहने वाले हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। ये वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। अयम बंधुस्यम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये अपना मित्र है और यह नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। जब परिवार का कोई सदस्य विपरीत परिस्थितियों में पड़ता है तो उसकी सहायता के लिए दूसरे सदस्य को आना पड़ता है। यही उस परिवार के प्रति उसका कर्तव्य है। यही भारतीय परंपरा की खूबसूरती भी है, जहां हम व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र और धर्म की रक्षा का प्रण लेते हैं। भारत में ये परंपरा अनंत काल से चली आ रही है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन पर्व हमें अपने इसी कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है। रक्षाबंधन को लेकर हमारे बीच हर कालखंड की अनंत कथाएं हैं, लेकिन हर कथा के पीछे एक ही उद्देश्य है, वो है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी भारत के मूल भाव में समाहित होकर संगठन में संगठित हो जाएं और इस संगठन की मजबूती और समर्पण को एक सूत्र में जिस धागे ने बांधा वो सनातनी संस्कृति का रक्षा सूत्र रहा अनंत काल से अब तक। समय के साथ रूप भले बदले, मगर भाव की भावना में रक्षा और समर्पण ही दमकती रही। प्राचीन वैदिक काल में गुरुकुल में भी गुरु प्रत्येक शिष्य के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे। जहां गुरु अपने शिष्य की रक्षा करने का प्रण लेता है, वही उसे तप की शक्ति के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए तैयार भी करता है। जहां शिष्य अपने गुरु को मौन वचन देता है धर्म और कुटुंबकम की रक्षा के लिए। युद्ध में जाते समय सैनिकों को उनके गुरुओं, पत्नियों और बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधे जाते थे। ये रक्षा सूत्र उन सैनिकों की रक्षा की भावना भी है और साथ ही सैनिकों के द्वारा राष्ट्र धर्म की रक्षा किए जाने का व्रत भी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी अपनी सेना के सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए उन्हें संकल्पित किया था। मध्यकाल में जब भारतवर्ष पर इस्लामी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ऐसे समय में समाज की बहन बेटियों की अस्मिता संकट में पड़ गई। तब रक्षाबंधन पर्व का स्वरूप बहन बेटियों की रक्षा के प्रति केंद्रित हो गया और उस संकट के समय में धर्म संस्कृति की रक्षा का आह्वान करते हुए बहनों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधते हुए उन्हें संकल्पित किया कि वे हर प्रकार से धर्म और संस्कृति के साथ साथ बर्बर आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा भी करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी भगवा ध्वज को रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र की धर्म संस्कृति की रक्षा का व्रत धारण करते हैं। ये उनके द्वारा धारण किया गया वो वीर व्रत है, जो उन्हें सदैव राष्ट्र धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित करता है और कभी भी अपने संकल्प से डिगने नहीं देता है। जहां स्वयंसेवक भगवा ध्वज को अर्थात राष्ट्र धर्म संस्कृति को संरक्षित करने का संकल्प लेते हैं, वहीं ये व्रत भी धारण करते हैं कि भगवा ध्वज के द्वारा प्रदर्शित जीवन मूल्यों को धारण करते हुए राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना से अपनी जीवन ऊर्जा लगाएंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवटता के साथ इस वचन को निभाने का दृढ़ निश्चय वीर पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे लोग पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, जिसके पीछे उनका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इसी प्रकार से हम लोग भी अपनी पुरातन विरासत और धरोहर की रक्षा करने का संकल्प भी ले सकते हैं। आसपास स्थित स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर जाकर वहां किसी भी मानक वस्तु पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी विरासत और धरोहर की रक्षा का संकल्प ले सकते हैं।
सही मायने में यही रक्षाबंधन है।